Assalamu alaikum dear student. Today our topic is linkage of biology with other fields of study and careers in biology, which is related to grade 9 and its first chapter of this grade. Dear students, पिछले lecture में हमने introduction to biology के बारे में discussion की थी और मुख्तलिफ किस्म के branches of biology के बारे में भी हमने discussion की थी, लेकिन आज का हमारा जो topic है वो है linkage of biology with other fields of study. ठीक है, तो biology अगर physics के साथ हम link करेंगे तो हम इसको biophysics कहते हैं, जिस तरह हम chemistry के साथ link करेंगे तो हमें उसे biochemistry कहते हैं, जिस तरह हम statistics के साथ biostatistics, जियोग्राफी के साथ बायो जियोग्राफी एंड इकोनॉमिक्स के साथ बायो इकोनॉमिक्स. तो पहले हम बायोफिजिक्स के बारे में डिस्कशन करेंगे. तो बायोफिजिक्स क्या होता है? इसमें हम बायोलॉजिकल फिनोमिना एंड प्रॉब्लम्स को फिजिक्स के जरिए, हम फिजिक्स के टेक्निक्स के जरिए हम इसको जानते हैं, तो इसको हम बायोफिजिक्स कहते हैं. जिस तरह हमारे पास एक एग्जांपल है यहाँ पे, ये एक क्लोरोप्लास्ट है जो प्लांट के लीफ में पाए जाते हैं, इसमें क्लोरोफिल मौजूद होता है. ये क्लोरोफिल सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है, तो इस एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट को फिजिक्स के रूल्स के मुताबिक इसको प्रोसेस करता है ये प्लांट्स. तो हम इसको क्या रिलेट करते हैं, किसके साथ? बायोफिजिक्स के साथ. जब इसको ट्रैप करता है सनलाइट को, तो इसमें एक प्रोसेस शुरू होता है जिसे हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं, जिसमें वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो यूज हो जाता है और ग्लूकोज और ऑक्सीजन जो है वो बन जाते हैं. ठीक है, तो इस प्रोसेस को हम बायोफिजिक्स कहते हैं. ठीक है, अच्छा, बायोकेमिस्ट्री, इट इज कंसर्न विद द केमिकल सब्सटेंस एंड प्रोसेसेस दैट अकर इन ऑर्गेनिजम्स. के ऑर्गेनिजम्स में जितने भी मुख्तलिफ किस्म के प्रोसेसेस जो होते हैं, जैसा कि हमारे पास एग्जांपल में आता है फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन, तो इस प्रोसेसेस को हम बायोकेमिस्ट्री के साथ लिंक कर सकते हैं. ठीक है, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? बायोकेमिस्ट्री. और इसमें फॉर्मेशन ऑफ सेल्स भी हो जाता है, कि सेल्स जो है ये किस तरह बन जाता है, हम इसको स्टडी जब करते हैं तो हम इसको बायोकेमिस्ट्री में करते हैं. ठीक है, अच्छा, बायोजियोग्राफी, इट इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑर्गेनिज्म इन स्पेस एंड टाइम. के इसमें हम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑर्गेनिज्म अराउंड द वर्ल्ड के किस तरह ये डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, जैसा कि पोलर बियर्स जो है वो आर्टिक रीजन में पाए जाते हैं, जो जो ज़्यादा के ज़्यादा जो है वहाँ पर बर्फ पड़े होते हैं, तो इस रीजन में ये पोलर बियर पाए जाते हैं. ठीक है, अगर इस पोलर बियर को आप कहीं और जगह ले आते हैं, जैसा कि पाकिस्तान में कोई और जगह ले आए जहाँ पर बर्फ नहीं होता, तो ये वहाँ पे नहीं पाया जाता. ठीक है, तो इसके लिए अपना एक रीजन होता है डिस्ट्रीब्यूशन के लिए. ठीक है, मलेरिया जो है ये मॉस्किटोस वगैरह, मलेरिया के मॉस्किटोस ये डैम्स में एरियाज में पाए जाते हैं, जैसा कि एक एग्जाम्पल है हमारे पास एक ऊंट है, इसका डिस्ट्रीब्यूशन ये लामा जो है साउथ अफ्रीका अमेरिका जो है यहाँ से इसका शुरू हो जाता है, और इसका ये डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे हो जाता है सऊदी अरेबिया अफ्रीका एट्सेट्रा. ठीक है, एशिया में भी. तो इस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स को हम बायोजियोग्राफी में स्टडी करते हैं. ठीक है, बायो इकोनॉमिक्स, इट इज द एप्लीकेशन ऑफ स्टेटिस्टिकल एंड मैथमेटिकल फार्मूलाज इन द स्टडी ऑफ बायोलॉजी. अगर हम कोई प्रॉब्लम को स्टडी करते हैं बायोलॉजी में, तो इसका डेटा हम इसका एनालिसिस करते हैं, और इसका ग्राफ वगैरह जो हम बनाते हैं ना, तो हम इसको बायोस्टेटिस्टिक या बायोमेट्रिक कहते हैं. जैसे कि एक एरिया में कोई बीमारी आती है, जैसा कि आजकल जो वबा पैदा हुआ है ना, जिसे हम कोरोना कहते हैं, इसका तादाद और इसका एज फैक्टर वगैरह, किस एज में ये ज़्यादा होता है, सब कुछ हम एक टेबल्स और ग्राफ्स में जो हम रिप्रेजेंट करते हैं, हम इसको स्टैटिस्टिक या बायोमेट्री में स्टडी करते हैं. ठीक है, बायो इकोनॉमिक्स, इट इज़ अ कोरिलेशन बिटवीन बायोलॉजी एंड इकोनॉमिक्स. इकॉनमी के साथ बायोलॉजी का जो लिंक होता है, जहाँ पर जो आप मुख्तलिफ किस्म के एनिमल्स है, फॉरेस्ट है, फिशेज है वगैरह, जिसको हम पालते हैं, और इससे हम मुख्तलिफ किस्म के फूड, फाइबर, फ्यूल, ये सब कुछ हम हासिल करते हैं, और इसको फिर एक्सपोर्ट करना वगैरह वगैरह, इस सब कुछ जो है हम इसको बायो इकोनॉमिक्स के साथ रिलेट करते हैं. ठीक है, अच्छा, अगली स्लाइड की तरफ जाते हैं, वो
भी करियर्स इन बायोलॉजी। बीइंग अ स्टूडेंट आपको बायोलॉजी में मुख्तलिफ किस्म के करियर्स सामने आते हैं, जो आपकी ख्वाहिश है इसके मुताबिक आप अपने करियर को सेलेक्ट करते हैं और पर आप जा सकते हैं। ठीक है, इसमें मेडिसिन एंड सर्जरी है जिसे हम MBBS भी कहते हैं, फिशरीज है, एग्रीकल्चर है, एनिमल साइंस है, हॉर्टिकल्चर है, फॉरेस्ट्री है एंड फार्मिंग। ये मुख्तलिफ किस्म के करियर्स है, हम एक एक के बारे में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, मेडिसिन एंड सर्जरी। द फील्ड ऑफ मेडिसिन जो है इज रिलेटेड टू डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ ह्यूमन डिजीज। जितने भी ह्यूमंस के डिजीज़ है और इसकी तशखीस करना और इसकी ट्रीटमेंट करना, हम इसको मेडिसिन में क्या करते हैं, इसको स्टडी करते हैं। और सर्जरी में हम डिफेक्टिव पार्ट ऑफ बॉडी, वो पार्ट जो कहीं एक्सीडेंट में डिफेक्ट हो जाता है या उसको कोई नुकसान पहुंच जाता है, उसको या तो रिपेयर करते हैं या हम इसको रिप्लेस या रिमूव करते हैं। ठीक है, अच्छा, अगर आप इस करियर में जाना चाहेंगे तो आप FSC के बाद आफ्टर हायर सेकेंडरी एजुकेशन FSC, ठीक है, इसके बाद आप इस फील्ड को सेलेक्ट कर सकते हैं, इसे हम MBBS कहते हैं। ठीक है, बैचलर ऑफ मेडिसिन और बैचलर ऑफ सर्जरी। ठीक है, अच्छा, फिशरीज भी हम फिशेज की स्टडी को, इसकी प्रोडक्शन को और इसकी नस्ल को हम ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक है, इसके लिए एक स्पेशल एरियाज में मुख्तलिफ किस्म के फिशेज टैंक्स मौजूद होते हैं या हैचरीज भी हम इसको कहते हैं। ठीक है, इसमें मुख्तलिफ किस्म के मैनेजर्स जो है अपना काम करते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर इसकी प्रोडक्शन जो है वो करता है। ठीक है, इसके न्यूट्रिशन का ख्याल भी रखते हैं और इसके डिजीज़ वगैरह का भी ख्याल रखते हैं। ठीक है, अगर आप इस फील्ड में जाना चाहेंगे तो आपको बैचलर या मास्टर डिग्री इन जूलॉजी के बाद आप इस फील्ड में जा सकते हैं। ठीक है, फिशरीज में एग्रीकल्चर जो है हम इसमें क्रॉप्स और लाइफ स्टॉक जो है यहाँ पर मुख्तलिफ किस्म के जो एनिमल्स है, काउस, हंस, चिकन्स वगैरह, ठीक है, इसकी स्टडी को और क्रॉप्स की स्टडी को हम क्या कहते हैं, एग्रीकल्चर कहते हैं। एग्रीकल्चरिस्ट में वर्क इन द एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, वेटरनरी डिपार्टमेंट। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ये अपना इसका एक डिपार्टमेंट होता है जो स्टूडेंट इसको स्टडी करता है और इस डिग्री लेते हैं तो इस डिपार्टमेंट में काम करता है फिर। ठीक है, वेटरनरी डिपार्टमेंट में भी ये एनिमल्स का हॉस्पिटल भी हम इसको कहते हैं। ठीक है, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ ये मुख्तलिफ किस्म के अद्वियात जो बन जाते हैं ना, इसमें फार्मिंग, एग्रीकल्चर, बैंक एक्सेट्रा, इसमें काम करता है। अगर आप इस फील्ड में जाना चाहेंगे तो आपको सेकेंडरी एजुकेशन के बाद आप इसको फील्ड में जा सकते हैं। ठीक है, FSC के बाद एनिमल साइंस जो है इसको हम एनिमल हस्बेंड्री भी कहते हैं। इसमें हम ब्रीडिंग ऑफ एंड रेजिंग ऑफ लाइफ स्टॉक ऑफ डोमेस्टिक एनिमल्स, वो एनिमल जो हम घरों में पालते हैं इसकी ब्रीडिंग करना और इसके लाइफ स्टॉक को इंक्रीज करना। प्रोफेशनल कैन वर्क इन वेटरनरी हॉस्पिटल। ठीक है, जानवर का एक हॉस्पिटल होता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं एक डॉक्टर है, एक डॉग का जो है ये ट्रीटमेंट करता है। यहाँ पर मुख्तलिफ किस्म के जितने भी वेटरनरी डॉक्टर्स है मुख्तलिफ किस्म के पिट्स को जो है इसका इलाज करते हैं। ठीक है, मुख्तलिफ काउस, बफेलोस का भी इलाज करते हैं वगैरह वगैरह। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में भी काम करते हैं, लाइफ स्टाइल डिपार्टमेंट में एंड पिट फूड इंडस्ट्री में भी। अगर आप इस फील्ड में जाना चाहेंगे तो आप FSC के बाद जा सकते हैं। ठीक है, हायर एजुकेशन के बाद। ठीक है, अच्छा, हॉर्टिकल्चर जो है ये आर्ट एंड प्रैक्टिस ऑफ गार्डन कल्टीवेशन मैनेजमेंट, यहाँ पर आप देख सकते हैं इस पिक्चर में इस तरह के गार्डन की कल्टीवेशन और मैनेजमेंट हॉर्टिकल्चरिस्ट जो है वो कर सकते हैं। हॉर्टिकल्चर कैन ओपन बिजनेस लाइक वेजिटेबल प्रोडक्शन भी करते हैं, लैंडस्केप डिज़ाइन ये भी करते हैं, नर्सरीज जो मुख्तलिफ किस्म के पौधों का जो एक एरिया होता है ना, तो इससे अपने बिजनेस भी कर सकता है। ठीक है, मुख्तलिफ किस्म के प्लांट्स उसके साथ मौजूद है, उसको बेच देते हैं। गार्डन्स मैनेजमेंट और इसके पेस्ट मैनेजमेंट वगैरह जो है ये हॉर्टिकल्चरिस्ट करते हैं। ठीक है, अगर आप इस फील्ड में जाना चाहते हैं तो आप FSC के बाद जा सकते हैं। ठीक है, फॉरेस्ट्री इज कंसर्न विद मैनेजिंग फॉरेस्ट एंड ग्रोइंग फॉरेस्ट टू प्रोवाइड टिम्बर एंड फॉर वाइल्ड लाइफ हैबिटेट, क्रिएशन बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट, ये सारे के सारा मतलब फॉरेस्ट का जो ख्याल रखते हैं, इसका जो इंक्रीज करना फॉरेस्ट को, जो फॉरेस्ट
ख़राब होते हैं उसको दोबारा रिफॉरेस्टेशन करना वगैरह वगैरह, ये फॉरेस्ट्री वाले करते हैं। अगर आप स्पीड में जाना चाहते हैं तो आप FSC के पास जा सकते हैं, ठीक है। फार्मिंग जो है, ये मुख्तलिफ़ किस्म के फॉर्म्स लोग लगाते हैं, जैसा कि मुख्तलिफ़ किस्म के खेत में भी फॉर्म्स लगाते हैं, और यहाँ पे चिकन फॉर्म भी होते हैं, पोल्ट्री फॉर्म जो हम इसको कहते हैं, फिश फार्मिंग भी हम इसको कहते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के फार्मिंग जो करते हैं हम इसको फार्मिंग कहते हैं, ठीक है। यूर ए मेंटेन फॉर एनिमल ब्रीडिंग, पोल्ट्री फूड एक्सेट्रा, वेजिटेबल्स, इसमें इसके स्टडी को करते हैं और इसमें इसकी ब्रीडिंग भी करते हैं मुख्तलिफ़ किस्म के एनिमल्स के और प्लांट्स के, ठीक है। स्टूडेंट ऑफ बायोलॉजी ड्यूरिंग प्रोफेशनल कोर्स इन एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री सेटअप कैन अडॉप्ट दिस फील्ड। अगर बायोलॉजी स्टूडेंट बायोलॉजी स्टडी करता है और इसमें प्रोफेशनल कोर्स करता है जैसे कि मास्टर एक्सेट्रा, ठीक है, तो एनिमल हस्बेंड्री में ही काम कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ तक तो हमने पढ़ी, नाउ इट्स टाइम फॉर योर नॉलेज। मैंने यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस लिखे, आप इसको और से पढ़ें, ठीक है, और इसका आंसर फिर दे दें, ठीक है। अगर आपको कोई इन सवालों में कोई मुश्किल नज़र आ रही होंगी तो आप पिछले इस मेरे लेक्चर को दोबारा जो है वो रिपीट कर सकते हैं, ठीक है। Hopefully you will enjoy my lecture and wait my next coming video and subscribe my channel Biology is Fun and press this bell icon. Thank you so much for your time and attention. Na khair rakhiyega. Jazakallahu khair. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.